देखिए, आज हम टॉपिक आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन के अंदर हम आपके साथ अगेन वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे। हमारा टेस्ट 2 चल रहा था, जिसमें हमने कल परचेज आपको सिखा दी थी, ओपनिंग स्टॉक डालना, परचेज और स्टॉक जनरल से लेकर हमने अंश तक का माल क्या करा दिया था, ट्रांसफ़र करा दिया था। अब हमें जो काम करना है वो मटेरियल इशू करना है। क्या करना है? मटेरियल इशू। तो आप जानते हो, अगर हमें आना होगा तो हम कहाँ आएंगे? शिवानी ऊपर देखें, मटेरियल इशू टू पार्टी। कहाँ देखें? मटेरियल इशू टू पार्टी। लेकिन इस पे जाने से पहले कहाँ जाओगे? कॉन्फ़िगरेशन। फिर कहाँ आओगे? फीचर ऑप्शन। फिर कहाँ आओगे? इन्वेंट्री। पहले तो आप इस पर क्लिक करोगे, अनेबल जॉब वर्क। सभी टॉपिकों को टिक नहीं करते, सबसे पहले किसको करेंगे? अनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड पार्टी, अनेबल जॉब वर्क, इसको हटा दो, इसकी आवश्यकता नहीं हो। किस पर क्लिक कर दो? मेंटेन पैरामीटर वाइज डिटेल विद कंज्यूम क्वांटिटी, बस इसको सेव करना था, इतना करना था। उसके बाद कहाँ आना था? मटेरियल इशू टू पार्टी पर जाना था। सबसे पहले डेट डालनी थी, कब? 20/4, तो यहाँ 20/4 लिखना था। क्या करना? इशू फॉर जॉब वर्क। क्या कर देना था? इशू फॉर जॉब वर्क। पार्टी का नाम आप यहाँ बना लो, F3 कर दो। ग्रुप में क्या डाल दो? संडी क्रिएटर्स। किस टॉपिक को नो करो? नो। आईडी क्या बनाओगे? S/20/4/2019/1। बस। आइटम क्या दे रहे हो आप इसको? पैंट दे रहे हो। कितनी? 196। किसके पास पड़ी है? अंश जी के पास पड़ी। किसके पास पड़ी है? अंश जी के पास। तो अंश से माल कहाँ पर लेके आओ? मेन स्टोर पे। कहाँ लेके आओ? मेन स्टोर। कल हमने करा नहीं था क्या अंश वाला काम? स्टॉक जनरल कल कल तो सिखा तो दी थी, स्टॉक जनरल हो गई थी। अब एक एंट्री और पास करनी थी, किसकी? अंश से माल। तारीख कितनी थी? 17। अंश से माल कहाँ लाना था? मेन स्टोर। क्या आइटम ला रहे थे? पैंट 196, शर्ट 196 और कैप 196। क्लियर है? लिख द आज। फिर नीचे यहाँ पर बनाए जॉब वर्क, और एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऊपर लिखा हुआ था, जब वो जॉब वर्क दे तो हर पीस का कितना दे था? 100 रुपये। तो आप कितना लिख दोगे यहाँ? 100। रोल कितना हो गया? 224,614। और इसकी जॉब वर्क अमाउंट कितना आ गया? 58,800। पता ही 58,800 क्यों आया? क्योंकि देखो सभी का क्या रेट है? 100-100 रुपये। 100 रुपये 196 पीस का, मतलब ईच का है। किसका? ईच। और हमने क्या दी थी इसे? पैंट दी थी, शर्ट दी थी और क्या? अगर तुम 196 × 100 कर लो तब भी आपका आंसर आएगा यही जो यहाँ पर गिवन है, तब भी आपका आंसर आएगा यही, या आप सेपरेट कर लो तब भी आंसर आएगा आपका यही। क्लियर है? उसके बाद से क्या कर दो? सेव। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था? 18/4 में आफ्टर एडजस्टमेंट ऑल अस्तर रिटर्न इन फर्स्ट फ्लोर क्वेश्चन अस्तर वैल्यू। तो हमें एक एंट्री और पास करनी थी, कहाँ से? अंश जी से। क्या लेना था हमें? अस्तर। तो अस्तर कितना? 1250। तो जितना हो वो टाइप करो, फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर डाल दो। ठीक है? लेकिन लग रहा है किसी ने इस नोट्स के साथ छेड़खानी करी है, क्योंकि इतना माल तो इसके पास था ही नहीं। चलो अब देखते हैं। मेरे हिसाब से कल जो हमारा आंसर आ रहा था है, कुछ भी हो आप केजी कर लो, 300। कल तो हमारा ये आ रहा था 36,100, आज हमारा आंसर कुछ और आ रहा है। किसी ने कुछ छेड़खानी करी है नोट्स के साथ? कराई थी मैंने, पिछले वाली भी खरीदी। और देखो मैंने, मुझे याद कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ वैल्यू भी लिखी थी, साथ साथ आपको समझाया भी था ये, इसलिए मुझे पता है। चलो अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कल इतना स्टॉक तो नहीं था, बट हम इसे क्या कर देते हैं? सेव कर देते हैं। क्या कर दिया हमने इसे? सेव। ये हो जाने के बाद हम कहाँ आएंगे? अब मटेरियल इशू टू पार्टी। मटेरियल इशू टू पार्टी पर हम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें मटेरियल इशू करना है। वो क्या करके लाएगा? जॉब वर्क करके लाएगा। तो तारीख कब है? 20/20। 17/4 तो यहाँ नहीं, 20/4 तो उसे कितना लिख दो? 20/4। यहाँ क्या लिख दो? इशू फॉर जॉब वर्क। किसको दे रहे हैं हम लोग? समीर को। समीर दे दो। आईडी बनाओ S01 और टाइप कर दो। क्लियर? डिलीवरी डेट गिवन है, माल कब बना के देगा? नहीं। हम इसे क्या दे रहे हैं? पैंट दे रहे हैं। कितना? 196 पीस। फिर हम इसे क्या दे रहे हैं?
शर्ट दे रहे हैं कितना 196 पीस, फिर हम इसे क्या दे रहे हैं कैप 196 पीस। ये देने के बाद हम एक बात और चाहते हैं कि वो क्या बना रहा है रिपीट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे रिपीट। रिपीट भी हम कितनी दे रहे हैं 10,000 पीस, तो यहाँ पर कितना ले लो 10,000, क्या कर दो इसको पीस, क्या कर दो पीस। फिर इसके बाद हम क्या दे रहे हैं चैन, तो इसे क्या डाल दो चैन, चैन कितनी दे रहे हैं हम इसको 10,000, तो 10,000 डाल दो। और चैन कौन सी दे रहे हैं 4 इंच की रेड कलर की, कितनी पीस 5,000, तो 5,000 डाल देंगे। और 5 इंच की चैन ग्रीन कलर की, येलो कलर है ग्रीन तो है नहीं, तो आप 5 कर दो, ठीक है सेफ। और कुछ करना है नहीं, लेकिन उसने कहा है कि सर मैं चाहता हूँ कि जब शर्ट बना के लाओ तो कौन से बना के लाओ, शर्ट ऑब्लिक 001, तो यहाँ एफ सेव कर दो और यहाँ एक नई आइटम बनाओ, क्या नाम है शर्ट, वो भी क्या है 0001। इसे किस ग्रुप में डालो, एक नया बनाओ फिनिश्ड गुड्स विद पैरा, क्योंकि इसमें दो चीज़ चाहता है कि साइज़ आ जाए, क्या आ जाए साइज़, तो इसे यस कर लो। और नहीं इसे किसी की अंडर डाल दो, ऊपर जाओ और किसी की अंडर डाल दो, अंडर बोले तो फिनिश गुड्स, यहाँ बोलो सेपरेट क्वांटिटी, और कितना ले लो 1। क्यों चाहिए 1, क्योंकि हमें साइज़ में चाहिए, किस में चाहिए साइज़ में, और साइज़ क्या रखोगे इसका साइज़। और हमें कुछ नहीं करना, सेव कर लो 20 और सेव। कितनी क्वांटिटी हमने कहा ये, और कितना यहाँ कुछ ना लिख के 196 डाल दो, और क्या कर दो इसको सेव कर दो, बस इतना हो गया। ये हो जाने के बाद अंश समीर जी माल कब बना के लाए, वो माल बना के लाए 24 को ही बना के लाए, तो कहाँ जाओगे 24 आओगे, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी कब 24, तो कितना लिख दो 24, कितना लिख दो 24, 24 हमने लिख दिया। वाउचर नंबर कितना है 01, यहाँ क्या लिखो रिसीव आफ्टर जॉबर। पार्टी का नाम क्या है समीर, तो समीर डालो। क्या आइटम बना के लाया है शर्ट, तो यहाँ शर्ट डालो। कितनी क्वांटिटी बना के लाया है और बना के रखनी कहाँ है मेन स्टोर पे 196 पीस। और क्या क्या चीज़ कंज्यूम करेगा, बनानी क्या है साइज़ लिख दो, हमें बनानी है 22 साइज़ की, कितनी पीस 96, और 28 की 100 पीस, और कुछ नहीं करना। इसके बाद पॉपअप आएगा, आपका चैन कितना लग रहा है, चैन बोला है उसने क्या, हाँ चैन बता रहा है, क्या बता रहा है रेड, कह रहा है कि चैन लगी है रेड कलर की, लगी कितनी लगी है रेड कलर की। कैप में कितनी लगी, शर्ट में कितनी लगी 196, पैंट में कितनी लगी 196, और कैप में कितनी लगी 196, तीनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 588। इसे ओके कर दो। अब क्वेश्चन है, यहाँ पर सेव करो, ये कह रहा है एडजस्टेड क्वांटिटी, यहाँ कितनी है आपकी 10,000 है, और यहाँ कितना ले रहे हो आप 558। क्या ये चैन रिपीट उसमें थी, पैकेट केजी में थी क्या, नहीं सिंपल है, आप सिंपल वे में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। दस हजार क्वांटिटी ले रहा है ये, फाइव एट एट इतना डालना था यहाँ पर, दोबारा 588 अभी आ गया आपका, और सेव कर। उसके बाद रिपीट कितनी बोल रहा है, रिपीट कुछ बोली है, रिपीट कुछ नहीं बोली, तो आप F9 से क्या कर दो उसको हटा दो। पैन 196, ये भी 196, और ये भी आपकी 196, और क्या कर दो इसको सेव। कॉस्टिंग कितनी आ गई 1154 रुपये 0, जबकि इसकी कॉस्टिंग आएगी 504 रुपये। मैंने आपको बोला है किसी ने नोट्स के साथ देखो छेड़खानी करी, छेड़खानी के साथ मतलब ये कि कैप मैंने कल पीस में बनाई थी, किसी ने इसे दर्जन में कर दी, किसी ने इसको दर्जन में कर दी, ये गलत है, किस में कर दी किसी ने इसको दर्जन में, तो हम इसे पीस में करना था, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, बस आपको वे बताना है, वे मैं आपको बता रहा हूँ। ये कर लिया, इसके बाद F3 करके इसकी क्या डाल दो जॉब वर्क डाल दो, और किसको यस करो मटेरियल रिसीव, किसको यस करो इसको इसको इसको, यहाँ क्या कर दो जॉब वर्क, इसको यस कर दो, इसको यस कर दो, यहाँ क्या कर दो पर मेन क्वांटिटी कितनी है, सर नीचे का दे रखा कितना नहीं, हाँ रह गया ये भी, तो हम रिपीट भी कंज्यूम कर लेंगे।
तो यहाँ रिपीट लिख दो, रिपीट कितनी दे दी हमने इसको 2000, यहाँ बट पीस करो कितना 3000, ठीक है, और सेव। और फिर यहाँ जॉब वर्क डालो कितना ले रहा है एक पीस का 79.60, क्लियर, और इसे क्या कर दो सेव। अब नरेशन में क्या लिख दो यहाँ पर, कॉस्टिंग इज इक्वल टू 1179.52 प्लस 79.60, तो आप इसको जोड़ लो, जो कॉस्टिंग आए आपको लिख देना 1179.42 प्लस 79.60 कितना 1259 रुपये, जबकि मैंने आपको इसकी कॉस्टिंग कितनी बताई है 1204 रुपये, और इसे क्या कर देना सेव कर देना। सेव हो गया, कोई दिक्कत इसके अंदर? ये हो जाने के बाद सेल करनी है, सेल तो आपको बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है कई बार, बाकी आपका कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं है, वो आप कर सकते हो, ठीक है, तो आप ट्राई करना, अगर आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आपका टेस्ट था जो कल लास्ट हमने संडे को आपको दिया था।